हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रभाकर सर आईपीएस क्लासेस मसरक से। आज हम सीखेंगे फिर एक नया ट्रिक, मैथ ट्रिक। किसी भी संख्या का स्क्वायर जिसके अंत में सिर्फ 5 हो, तो उसको हम आसानी से कैसे वर्ग करते हैं, उसका स्क्वायर निकालते हैं, इसे आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से, बहुत ही सिंपल तरीक़ा से। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे यहाँ 25 है, 25 का स्क्वायर करना है हमें। तो 25 है तो इसमें जो है, इसका स्क्वायर करने के लिए जो है, सबसे पहले जो लास्ट में 5 है तो इसका स्क्वायर करेंगे अगर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 5 का वर्ग जब करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। यानी 5 में 5 से गुना करते हैं तो 25 होता है। और फिर जो यहाँ जो नंबर होता है 2, इसमें हम सिर्फ 1 जोड़ देते हैं। जैसे 2 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे, तो जब 2 है तो 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो यह आ जाता है 3। और फिर 2 में हम 3 से गुना करके लिख देते हैं कितना होता है, 6। तो इस तरह जो है, यहाँ पर 2 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 2 से गुना करके यहाँ लिखते हैं 6, और फिर 5 का स्क्वायर जो आ रहता है 25। तो इस तरह हमारा इसका जो है स्क्वायर 625 आ जाता है, यानी 625 का वर्ग कितना आ जाता है, 625। फिर इसी तरह अगर 15 का हमें वर्ग निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फिर 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग हमेशा 25 ही आएगा, यानी 5 का स्क्वायर हमेशा 25 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ जो नंबर है, ठीक, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे 2 होगा, और 2 में 1 से फिर इसी संख्या से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2। इस तरह 15 का वर्ग 225 हो जाता है। फिर एक और नंबर लेते हैं, जैसे हमें 35 का वर्ग अगर निकालना हो तो 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, और 4 में फिर 3 ही से गुना करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12। फिर हमें 45 का वर्ग करना है तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में फिर 4 से गुना करेंगे तो 5 का 20। फिर 55 का अगर वर्ग निकालना है तो इसी तरह 50 25, और फिर 5 का वर्ग 25, और फिर 5 में जोड़ेंगे 6, और 6 में फिर इसी संख्या से गुना करेंगे 6 25 30। इसी तरह जो है हमारा एक और संख्या देख लेते हैं, एक और संख्या देख लेते हैं, जैसे 75 का वर्ग हमें निकालना हो तो 5 का स्क्वायर 25, और 7 में 1 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में फिर 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56। इस तरह हम जो हैं, कोई भी संख्या हो जिसके अंत में सिर्फ 5 हो और उसका वर्ग हमें निकालना हो तो हम सिंपल इसी तरीक़ा से निकाल सकते हैं, यानी 5 का सीधा स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसमें 1 जोड़ करके फिर इसी संख्या से गुना कर देंगे तो हमारा जो है सबका वर्ग निकल जाएगा। थैंक यू।